एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी देखो, एरोमेटिसिटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और क्वेश्चन से मान के चलो, चाहे नेट हो चाहे गेट हो, 100% यहाँ से आता है, ठीक है ना। द एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, और कुछ इनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपन देखते हैं कि एरोमेटिसिटी एक्चुअली है क्या, या एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है। देखो एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड्स देखो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, पहली कंडीशन ध्यान देना, सबसे मस्ट कंडीशन है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से, साइक्लिक है, प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है, और उनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, मतलब वो हकल के रूल को फॉलो करते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं भाई, साइक्लिक है सबसे पहले बात, साइक्लिक। सेकेंड कौन से, देखो प्लेनर है, प्लेनर, ठीक है ना। देखो फिर उसके बाद क्या देखना है, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड है ना, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, ठीक है। देखो 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज फॉलो हकल्स रूल, फॉलो हकल्स रूल, ये हकल रूल को फॉलो करते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड भाई साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होते हैं, और इनमें 4n+2 पाई डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, 4n+2 पाई से मतलब यहाँ पर ये हो गया, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जो n, n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हो सकती है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती, समझ में आ रहा है, लेकिन होगी फुल इंटीग्रल। अब देखो ध्यान देना, जैसे यहाँ पर लो n, यहाँ पर लेता हूँ जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, जैसे सपोज करो n की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो यहाँ पर 1 रखोगे ना आप, तो 1 रखते क्या होगा, 4 × 1+ n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करो, 0 रखते क्या होगा, 4 × 0+2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर रखा हमने जैसे 1 रखते क्या होगा 6, ठीक है ना। इसी तरह 2 रखते 10 हो जाएगा, 3 रखते 14, 4 रखते कितना हो जाएगा 18, इस तरह से एटसेट्रा कर दो। तो कहने का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो, साइक्लिक हो, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड हो, ऐसे कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पर कंप्लीट कॉन्जुगेटेड से मतलब ये नहीं कि पूरा कंपाउंड प्लेनर हो, मतलब अपन लिखते हैं ना कि एरोमेटिक कंपाउंड प्लेनर होते, प्लेनर से मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि पूरा कंपाउंड प्लेनर हो। प्लेनर से मतलब है कि जहां पर आप डीलोकलाइजेशन की बात कर रहे हो, जिस पार्ट में देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं अपन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स में जहां पर डीलोकलाइज है वो पार्ट प्लेनर होना चाहिए, बाकी पार्ट प्लेनर हो या नॉन प्लेनर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल किस पार्ट की बात करते हैं, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो पार्ट प्लेनर है या नहीं है, केवल उसको देखा जाता है, पूरे मॉलिक्यूल से मतलब नहीं होता, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब अपन बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो करेक्टरिस्टिक ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से काउंट करना है वो सब अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखो सबसे पहले बात, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो देखो हाईली स्टेबल ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी हाई रेजोनेंस एनर्जी के कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, समझ में आ रहा है ना। देखो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसमें 4n+2 पाई, तो ये क्या होते हैं, हाईली अनसेचुरेटेड होते हैं। और देखो अनसेचुरेटेड कंपाउंड की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इस तरह से ये
अब यहाँ पर जो भी होगा आगे प्लस आ गया, और यहाँ पर अपन को पता है कि आगे क्या जुड़ जाता है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर ये होगा सी सी, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और ये। तो जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनके करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनसेचुरेटेड है तो इनकी भी रिएक्शन कौन सी होनी चाहिए? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन नहीं होती। एरोमेटिक कंपाउंड्स की करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इस रिएक्शन को बेसिकली नहीं देते, और देते हैं काफी रेयर, बहुत कम, ठीक है ना। तो देखो हाईली अनसेचुरेटेड, हाईली अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड बट नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी, हाई रेजोनेंस एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से क्या नहीं करते है? हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रेजोनेंस एनर्जी, हाई रेजोनेंस एनर्जी की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनसैचुरेटेड बट नॉट गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू हाई रेजोनेंस एनर्जी। देखो इनकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती कौन सी? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एच करेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स के करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा यहाँ तक? कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। देखो एरोमेटिक कंपाउंड डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक, और इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, देखो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब घूमेगा, गति करेगा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नहीं होगा? तो एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना, तो उनके मोमेंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नहीं होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको बोलते हैं डाया मैग्नेटिक रिंग करंट। समझ में आ रहा है ना? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डाया मैग्नेटिक रिंग करंट, डाया मैग्नेटिक, इसलिए बोलते हैं कि कैरोमेटिक कंपाउंड डाया मैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। तो देखो डाया मैग्नेटिक रिंग करंट इच प्रजेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स में डाया मैग्नेटिक रिंग करंट प्रजेंट होता है। समझ में आ रहा है? अब देखो डाया मैग्नेटिक रिंग करंट से क्या मतलब होता है, जैसे मान लो कोई भी एरोमेटिक रिंग है ये, अब देखो एरोमेटिक रिंग जैसे अपन बात करें यहाँ पर बेंजीन, अभी देखो थोड़ा बहुत तो सबको पता है ही सही ना, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, और बेंजीन पर ये हाइड्रोजन है या नहीं, कितने हाइड्रोजन है बेंजीन में? 6 हाइड्रोजन है ना ये। अब देखो बेंजीन में ये हाइड्रोजन रिंग के अंदर की तरफ या बाहर की तरफ? बाहर की तरफ है या नहीं। इसी तरह से जो एनोलिन्स वगैरह होते हैं, हायर एनोलिन, उनमें हाइड्रोजन जरूरी नहीं बाहर ही हो, अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर अपन बेंजीन की तो बात कर नहीं रहे, ठीक है ना। अपन एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें जिसमें हो सकता है हाइड्रोजन रिंग के बाहर हो, हो सकता है अंदर हो। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर हो गया पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, ये रिंग हो गई एरोमेटिक रिंग। इस एरोमेटिक रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? डीलोकलाइज होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, नहीं होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके डायरेक्शन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। तो ये हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इसी को बोला जाता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट। इसी को क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक रिंग करंट। तो ये हो गया भाई डायमैग्नेटिक रिंग करंट।
समझ में आ रहा है ना, ये कौन सा हो गया डायमैग्नेटिक रिंग करंट। अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि जैसे आपने आउटर मैग्नेटिक फील्ड ये लगाए H0 का मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन रखी आपने नीचे से ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये होती है, देखो ये यहाँ से इस तरह से ये डायरेक्शन होती है इसकी, ये डायरेक्शन होती है, समझ में आ रहा है इसका मतलब। देखो ध्यान देना यहाँ पर इस तरह से केस है कि ये जो प्रोटॉन जिस जगह पे है उस जगह पर देखो आप क्या हो रहा है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है और जहां पर प्रोटॉन है वहां पर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो इसके डायरेक्शन नीचे हो गई इंड्यूस्ड की और अप्लाइड की ऊपर की तरफ होगी, तो दोनों एक दूसरे के विरोध करेंगे नहीं करेंगे, अपोजिट हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ हद तक इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देगा, जिससे क्या होगा कि इस प्रोटॉन पर जितना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा बल्कि उससे थोड़ा सा कम लगेगा। कहने का मतलब एक तरह से ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस अंदर वाले प्रोटॉन्स को आउटर मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है, कर रहा ही नहीं कर रहा, क्योंकि जितना लग रहा है उतना नहीं लगने देगा, उससे कम लगेगा, इसीलिए इसको अपन बोलते थे शील्डेड प्रोटॉन। तो इसको क्या बोलेंगे, शील्डेड प्रोटॉन। तो ये हो गया भाई शील्डेड प्रोटॉन। अब देखो बाहर वाला प्रोटॉन, देखो इधर देखो यहाँ पर बाहर वाला जो प्रोटॉन है वहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऊपर है, सॉरी इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऊपर है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी ऊपर ही है, तो यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है या नहीं, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, मिलेंगे तो जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके साथ ये भी मिल गया, समझ में आ रहा है ना, तो स्ट्रेंथ और बढ़ गई तब इस प्रोटॉन पर जितना लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड उससे भी ज्यादा लगेगा, तो एक तरह से डी प्रोटेक्ट हो गया ना, तो इसको बोलेंगे डी शील्डेड प्रोटॉन। तो देखो ये बार वाला हो गया कौन सा, डी शील्डेड प्रोटॉन। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कोई डाउट है क्या, ठीक है ना। तो देखो अंदर वाला प्रोटॉन तो हो गया भाई शील्डेड और बाहर वाला हो गया डीशील्डेड। देखो जब एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया जाता है तो जो प्रोटॉन शील्डेड होता है उसका सिग्नल टीएमएस के पास मिलता है, शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पर मिलता है, टीएमएस के पास में, इसको बोलते हैं अपन अपफील्ड शिफ्ट, मतलब शील्डेड प्रोटॉन का सिग्नल अपफील्ड में मिलेगा, और जो प्रोटॉन डीशील्डेड होता है उसका सिग्नल डाउनफील्ड में मिलता है, मतलब टीएमएस से दूर मिलता है। तो देखो एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो ये प्रोटॉन है ये टीएमएस के पास सिग्नल देगा, शील्डेड प्रोटॉन है मतलब अप फील्ड शिफ्ट यहां पर ऑब्जर्व होगी। तो देखो अप फील्ड शिफ्ट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, अप फील्ड शिफ्ट, ठीक है ना, डेल वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, देखो टीएमएस के पास गया ना तो डेल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, टीएमएस की कितनी है, जीरो होती, पता है ना सबको, तो यहाँ पर जो डेल वैल्यू है वो क्या होती है भाई, डिक्रीज होती है, ये समझ में आ गया। और जो आउटर प्रोटॉन है ये वाला, ये डिशील्डेड प्रोटॉन है, डिशील्डेड प्रोटॉन है तो डाउनफील्ड शिफ्ट ऑब्जर्व होगा, टीएमएस से दूर चला जाएगा सिग्नल, डेल वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा डाउनफील्ड शिफ्ट, ठीक है ना, डेल वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज होगी, डेल वैल्यू इंक्रीज होगी, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, पहले आप यहाँ तक नोट करो, देखो ये कर ले बेटा, सब नहीं करो ना, कर ले, हो गया नहीं यहाँ तक। अब देखो ध्यान देना, समझना, देखो अभी अपन को एनएमआर स्पेक्ट्रा तो पढ़ नहीं रहे, केवल एक आइडिया बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना, समझ में आ जाए तो समझ लेना, नहीं आए तो छोड़ देना, ठीक है ना, बाकी जब बाद में देखेंगे। देखो ध्यान देना, यहाँ पर मैं डेल स्केल बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 0 ppm और यहाँ पर हो गया 10 ppm, ठीक है ना, और ये सिग्नल हो गया टीएमएस का, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, कोई भी हमने यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रा लिया उसका सिग्नल इस तरह से मिला, इस तरह से मान लो जो भी है XYZ, थोड़ा बहुत पता होगा इसे ही सबको, ठीक है ना, ये तो देखो ये सिग्नल हो गया कंपाउंड के और ये हो गया टीएमएस का। अब कंपाउंड कौन सा है वो तो उसके अकॉर्डिंग आता है, पी कभी तो अपने ऐसे ही बनाया है, ठीक है ना। अगर मान लो कंपाउंड के जो ये सिग्नल है ये टीएमएस के पास इधर चले जाते हैं, इधर टीएमएस की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो उसका बोलते हैं अपन अपफील्ड शिफ्ट। तो क्या होती है अपफील्ड
शिफ्ट, अप फील्ड शिफ्ट। जब अप फील्ड शिफ्ट होगी तो ये सिग्नल टीएमएस के पास जा रहा है ना जीरो की तरफ, मतलब डेल वैल्यू क्या होगी, डेल वैल्यू डिक्रीज होगी, डेल वैल्यू डिक्रीज होगी। हाँ टॉय स्केल भी होता है उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, वो जस्ट अपोजिट चलता है, ठीक है ना। अगर सिग्नल टीएमएस से दूर मतलब इधर चला जाता है तो इसका मतलब क्या होगा, डाउन फील्ड शिफ्ट, डाउन फील्ड शिफ्ट, ठीक है ना, डाउन फील्ड शिफ्ट। अब इस केस में क्या होता है, डेल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, डेल वैल्यू इंक्रीज ये होता है, समझ में आ रहा है। डायमैग्नेटिक कंपाउंड में जो आउटर प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन होते हैं, यहाँ पर डीशील्डिंग होती है, डीशील्डिंग सॉरी शील्डेड है ना, डीशील्डेड है ना, डीशील्डेड प्रोटॉन है, यहाँ पर डाउन फील्ड शिफ्ट होती है जिससे डेल वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है ना। जबकि अंदर वाला जो प्रोटॉन है वो शील्डेड प्रोटॉन होता है, यहाँ पर अप फील्ड शिफ्ट होती है, डेल वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। एक बात और समझना आप, इधर देखो, देखो डी प्रोपोर्शनल, डी प्रोपोर्शनल, डी प्रोपोर्शनल, डी, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर फर्स्ट डी से मतलब हो गया डी शील्डिंग, मतलब हो गया डी शील्डेड प्रोटॉन, या चलो ठीक है डी शील्डेड प्रोटॉन, डी शील्डेड प्रोटॉन, ठीक है ना, ठीक है डी शील्डेड या फिर डी शील्डिंग लिख सकते हो। देखो ये हो गया डाउन फील्ड शिफ्ट, अगर डी शील्डिंग होगी तो क्या होगा, डाउन फील्ड शिफ्ट, डी शील्डिंग ही कर दो, डी शील्डिंग, तो इससे होगा डाउन फील्ड शिफ्ट, डाउन फील्ड शिफ्ट, समझ में आ रहा है। डाउन फील्ड शिफ्ट होगा तो इससे क्या होगा, डेल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना, तो डेल वैल्यू इंक्रीज, डेल वैल्यू, इससे मतलब हो गया डेल वैल्यू। और एक डी से मतलब ले लो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो ये एक रिलेशन हो गया कुल मिलाकर। देखो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़े, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़े तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ने से डी शील्डिंग बढ़ती है जिससे डाउन फील्ड शिफ्ट होता है जिससे डेल वैल्यू बढ़ जाती है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ का होता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देना, जैसे किसी को ये तो डाउट नहीं ना कि जो ये अपन ने लिखा है आउटर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड उसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अपन ने कहे कि यहाँ पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ऊपर है और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन नीचे, तो दोनों अपोजिट हुए ना, इसलिए ये इसको कैंसिल कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कहा शील्डिंग। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों के डायरेक्शन सेम है, ये ऊपर तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन है, इसलिए इसके साथ ये भी मिल गया, इसलिए इस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लगेगा जितना लगना चाहिए उससे ज़्यादा, इसलिए ये कौन सा है, डी शील्डिंग। देखो ये इस तरह से केस होता है, जैसे ये हो गई एरोमेटिक रिंग, इधर देख लो सभी, ये एरोमेटिक रिंग। अब इस एरोमेटिक रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पर घूम रहा है, अब इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के सर्कुलेशन की वजह से, इसके घूमने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा ना, उसके डायरेक्शन है ये इस तरह से, सभी तरह से, ठीक है ना, मतलब यू हो गया यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, सभी डायरेक्शन में होगा ये चारों तरफ से इस तरह से, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अब आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर, ये ऊपर के साइड, समझ में आ रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ लग रहा है ना, पर्टिकुलर इस जगह से नहीं लग रहा, वो यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो सब जगह से उसके डायरेक्शन है ये, जैसे जेड एक्सिस मान ले तो जेड एक्सिस के लोग उसके डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि अगर कोई प्रोटॉन इस रिंग में अंदर की तरफ है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड तो यू आ रहा है, चाहे वो यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, बीच में तो उसके डायरेक्शन ऊपर से नीचे जाएगी ये, तो यहाँ पर डायरेक्शन ये है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो दोनों अपोजिट हुए नहीं, अपोजिट हो गए ना, इसलिए वो क्या एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करता है, इसलिए बीच वाला प्रोटॉन प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन जब ये घूम कर यू आएगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि तो सर्किल बन गया, ये घूम कर जब आएगा तो बाहर वाले प्रोटॉन रिंग के बाहर ही यू इस तरह से है या नहीं, तो बाहर वाला प्रोटॉन जैसे यहाँ हो गया, अब ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जब ये है तो जब ये बाहर वाले प्रोटॉन के पास में आएगा तो वहाँ पर डायरेक्शन ये हो रही है ऊपर की तरफ ये, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन भी ऊपर, तो दोनों के डायरेक्शन सेम हुई नहीं हुई, सेम होगी तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो जितना लगना चाहिए उससे भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हो गया नहीं आप तक, करो देखो नोटिस को, हो गया बेटा, कर लिया सबने, कोई डाउट है क्या किसी को, चलो इधर देखो।
तो जो डायमैग्नेटिक कंपाउंड सॉरी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होता है। देखो ध्यान देना, एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली तो हाइड्रोकार्बन ही है, हालांकि अपन को पता है कि हेट्रो एरोमेटिक भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है एरोमेटिक कंपाउंड में मैक्सिमम में वो कौन सा है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, होता ही नहीं था। तो इसलिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। अब देखो कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, जैसे सपोज करो आप बोराजिन की बात करो तो इनऑर्गेनिक है, एरोमेटिक तो वो भी है, ठीक है ना, तो वो केस अलग है। मतलब कुछ केस ऐसे जो पोलर में भी हो जाएंगे डिजोल्व, लेकिन मैक्सिमम एरोमेटिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते और वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। समझ में आ रहा है ना? तो देखो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है? जनरली एरोमेटिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं होते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यहां तक? ठीक है ना, देखो ध्यान देना, जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं अगर उनको अपन बर्न करते जलाते हैं तो वो ब्लैक फ्लेम मतलब काले धुए के साथ जलते हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो देखो यहां पर बर्न करने पर क्या आता है, यहां पर देखो ब्लैक फ्लेम, ठीक है ना, बर्निंग विद ब्लैक फ्लेम, ठीक है ना, काली ज्वाला के साथ या काले धुए के साथ ये जलते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं ना। ये हो गई एरोमेटिक कंपाउंड्स की बेसिक प्रॉपर्टी। अब देखो अपन को करना क्या है, देखो सबसे पहला केस था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है, आप इनको कैसे फाइंड करोगे। अब देखो इनको फाइंड करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपको पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग आनी चाहिए। आपको क्या आनी चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग। तो सबसे पहले तो अपन ने देखे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है ना। और इसको भी बताने से पहले मैं सबसे पहले इनको बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, आप इनको कैसे काउंट करोगे। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे किसकी, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप किस तरह से काउंट करोगे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना, तो ये कर लिया सबने, हो गया ना। चलो इधर देखो सभी, देखो हेडिंग ना ना एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, देखो सबसे पहला केस अपन लेते हैं जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए अपन ने पॉइंट कौन कौन से अभी भी की थी बात अपन ने, देखो कौन कौन से, एक तो साइक्लिक, देखो प्लेनर, देखो कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, समझ में आ रहा है ना। और देखो प्रेजेंस ऑफ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हकल रूल को ये फॉलो करते हैं। ये तो केस हो गया किसका, एरोमेटिक का। समझ में आ रहा है ना? एक दो एग्जांपल यहां पर लिख लेते हैं, बाद में बहुत सारे पढ़ेंगे, जैसे बेंजीन हो गया ये। समझ में आ रहा है? अब बेंजीन में देखो अभी थोड़ा बहुत आपको पता है, इसे एक पाई बॉन्ड का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2, 4, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसी कैटेगरी में आ जाएंगे 4n+2 पाई में। एन के स्थान पर वैल्यू रख सकते हैं पर 0, 1, 2, 3 इस तरह से, ठीक है ना। फिर अपन ने देख लिया, जैसे मान के चलो ये केस है, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव के जैसे इसका डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया पॉजिटिव यहाँ पर, तो कुल मिला के 2 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे ना, तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन का केस हो गया। ये भी इसी कैटेगरी में आएंगे, अपन ने लिखा था ना अभी 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14, 18, 22 ये सब किस में आएंगे, एरोमेटिक में। ये तो केस हो गया एरोमेटिक का। अब अपन बात करते हैं जैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा एक बात और ध्यान देना कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो कार्बन या एटम्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है रिंग में वो sp2 होता है। कौन सा होता है? sp2। कभी कभी sp हो सकता है लेकिन बेसिकली sp2 होता है। तो ये भी लिख देता हूं, चलो
देखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम, हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच एटम ऑफ रिंग इज sp2 इन एरोमेटिक कंपाउंड ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं। देखो समटाइम्स इट मे बी एसपी, कभी कभी एसपी हो सकता है, लेकिन बेसिकली जनरली तो sp2 ही होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट केस है एंटेरोमेटिक कंपाउंड्स है ना, और यहां पर अपन को पता है डायमैग्नेटिक रिंग करंट है इसे, इसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट। अब इसका मतलब आपको पता है इसे, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। देखो ध्यान देना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या है। देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बिल्कुल साइक्लिक होते हैं, इसी तरह से साइक्लिक। देखो ये भी क्या होते हैं, प्लेनरी होते हैं, प्लेनर। ये भी क्या होते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड होते हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड। समझ में आ रहा है ना। और लेकिन इनके अंदर देखो जैसे यहाँ पर 4n+2π d इलेक्ट्रॉन है ना, देखो ये कौन से इलेक्ट्रॉन है, उनके प्रेजेंस ऑफ 4n+2π d लोकलाइड है, डी लोकलाइज नहीं होने चाहिए। तो इसमें जैसे 4n+2π d लोकलाइड इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से इसके अंदर 4n π d लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो 4n π डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो 4n π से मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर जो n की वैल्यू है n=1, 2, 3 इस तरह से हो सकता है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। अब देखो n यहाँ पर ये कर दे, यहाँ पर कर दिया 4n π इलेक्ट्रॉन्स, तो देख n की वैल्यू जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अपन देख सकते हैं। अब देखो n के स्थान पर जैसे 1 रखो, 1 रखते हैं यहाँ पर 4π इलेक्ट्रॉन, n के स्थान पर 2 रखते हैं 4 × 2 8π इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 3 रखते हैं 12π इलेक्ट्रॉन, 4 रखते हैं 16π इलेक्ट्रॉन, 5 रखते हैं 20π इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा, इस तरह से केस यहाँ पर बनते हैं। तो कुल मिलाकर एंटेरोमेटिक कंपाउंड्स क्या है, एंटेरोमेटिक कंपाउंड साइक्लिक प्लेनर कंप्लीट कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है, जिनमें 4n π डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है क्या तक। देखो एंटेरोमेटिक कंपाउंड्स में एक्चुअली पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होता है, ये सबके सब पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। जैसे एरोमेटिक कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक, इसी तरह एंटेरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिंग करंट को डायमैग्नेटिक बोलते हैं ना, इनके रिंग करंट को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। देखो डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक रिंग करंट में केवल इतना सा डिफरेंस है कि रिवर्स है। जैसे डायमैग्नेटिक रिंग करंट एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखा, बाहर वाले प्रोटॉन के डीशील्डिंग है, अंदर वाले प्रोटॉन की शील्डिंग है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट होगा, अंदर वाले प्रोटॉन की डीशील्डिंग, बाहर वाले प्रोटॉन की शील्डिंग होती है। समझ में आ रहा है। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। जो रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है, वही रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पर स्टेबिलिटी को कम करती है। क्यों करती है अभी समझ में आ जाएगा कुछ देर में। ये हो गया यहाँ तक, कर लिया सबने, ये लिख रखा है सबने, इधर वाला लिख रखा है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक। देख इधर देखो सभी, देखो एंटेरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ये हो गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पर होता है पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। समझ में आ रहा है ना। और ये पैरामैग्नेटिक रिंग करंट का मतलब क्या है, देखो ये रिवर्स ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट है। यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज रिवर्स ऑफ डायमैग्नेटिक रिंग करंट, ठीक है ना। ये डायमैग्नेटिक रिंग करंट का क्या है, रिवर्स है, मतलब ये केस हो गया। देखो ये बाहर वाला प्रोटॉन है, अंदर वाला प्रोटॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये रिंग है वो एंटी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी, जबकि वहाँ पर कौन सी थी, एरोमेटिक, तो ये हो जाएगी एंटी एरोमेटिक रिंग। ये समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना।
अब देखो ये आउटर प्रोटॉन या इंटर प्रोटॉन, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, देखो ये है इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। देखो एंटीरोमेटिक कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक होते हैं, पैरामैग्नेटिक, पैरा होते हैं ना, इसलिए इनके जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक रिंग करंट। तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक रिंग करंट, रिंग करंट। अब देखो यहाँ पर इस तरह से होता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है ना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वो इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो गए, ठीक है। ये देखो इधर ये, तो यहाँ पर देखो आप क्या हो रहा है कि जो अंदर वाले प्रोटॉन है वहां पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों के डायरेक्शन सेम है या नहीं, सेम है तो यहाँ पर तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इन पर तो क्या जितना लगना चाहिए उससे भी ज्यादा लगेगा, मतलब ये डीशील्डेड प्रोटॉन है। ये कौन सा हो गया डीशील्डेड प्रोटॉन, डीशील्डेड, डीशील्डेड प्रोटॉन, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। जबकि बाहर वाले प्रोटॉन क्या देखो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इसकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है, ये नीचे ये ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ना, तो जितना लगना चाहिए उससे कम लगेगा यहाँ पर, इसलिए ये कौन सा है, ये हो गया शील्डेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखिए ये डीशील्डेड प्रोटॉन, इसका सिग्नल कहाँ पर मिलेगा डाउन फील्ड में, मतलब डेली वैल्यू ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर होगा डाउन फील्ड शिफ्ट, डाउन फील्ड शिफ्ट, डाउन फील्ड शिफ्ट, यहाँ पर डेल वैल्यू बढ़ जाएगी, डेल वैल्यू इंक्रीज। कनेक्ट मिले इसका सिग्नल टीएमएस से दूर मिलेगा या उसके पास मिलेगा, टीएमएस से दूर मिलेगा। अब इसके बात करें, देखो ये शील्डेड प्रोटॉन, शील्डेड प्रोटॉन है तो यहाँ पर अप फील्ड शिफ्ट होगी, नहीं होगी अप फील्ड शिफ्ट, ये हो गया भाई अप फील्ड शिफ्ट, अप फील्ड शिफ्ट से यहाँ पर डेल वैल्यू क्या होगी कम होगी ना, डेल वैल्यू डिक्रीज। देखो डेल वैल्यू, डेल वैल्यू डिक्रीज, समझ में आ रहा है, डेल वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका सिग्नल कहाँ पर मिलेगा टीएमएस के पास में मिलेगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स होते हैं ये जो एंटीरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, पैरामैग्नेटिक है हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक, देखो हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल क्यों होते हैं भी समझ में आ जाएगा कुछ समय बाद। देखो पैरामैग्नेटिक होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। ये कर लिया बेटा सबने नोट, कर रखा है इधर वाला, देख इधर देखना, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो रिंग के कार्बन या एटम्स होते हैं बेसिकली sp2 हाइब्रिड होते हैं, उसी तरह से एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ, देखो जनरली, जनरली देखो ईच एटम ऑफ रिंग, ईच एटम ऑफ रिंग, रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड। तो जनरली रिंग का प्रत्येक एटम कौन सा होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो अब कौन सा बचा नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी देखो अपन किस पर जोर नहीं देना कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन कैसे करोगे, सब मैं दिखाऊंगा आपको, बताऊंगा। देखो एक दो एग्जांपल भी लिख देता हूँ इसके साथ में, जैसे यहाँ पर ये ले लिया, देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटेरोमेटिक का केस होगा, नहीं होगा एंटेरोमेटिक हो गया। जैसे यहाँ पर देखो ये, देखो ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज है डीलोकलाइजेशन इस तरह से, तो देखिए यार 2, 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी कौन सा है एंटेरोमेटिक, ठीक है एंटी एरोमेटिक। देखो नेक्स्ट जैसे ये केस ले लिया, ये डबल डबल यहाँ पर पॉजिटिव, तो देखो इस पॉजिटिव की वजह से इन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इस तरह से, होगा ना। तो देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2, 4, पॉजिटिव में पाई है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है तो एंटेरोमेटिक। अब केस तो अपन बहुत सारे लेंगे, अभी अपन ने केवल एक दो एग्जाम्पल से यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। अब देखो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में क्या होता है, देखो ध्यान देना,
सबसे पहले बात तो देखो, एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको पता है क्या होता है, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, 4n+2π डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, वो एरोमेटिक हो गया। फिर बात करें एंटेरोमेटिक के क्या होते हैं, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेटेड, 4n π डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, वो कौन से हो गए, एंटी एरोमेटिक हो गए। अब देखो ध्यान देना, यदि किस कोई कंपाउंड एसाइक्लिक है तो 100% नॉन एरोमेटिक होगा, पहला केस एसाइक्लिक, क्योंकि एरोमेटिक हो चाहे एंटी एरोमेटिक हो, दोनों के लिए तो साइक्लिक जरूरी है, तो सभी एसाइक्लिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। अब बात करें अपन साइक्लिक की, ठीक है ना, यदि साइक्लिक कंपाउंड है अब वो सेचुरेटेड है तो नॉन एरोमेटिक होना ही, यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है रिंग में एक भी sp3 एटम आ गया, ध्यान देना, यदि साइक्लिक कंपाउंड है रिंग में एक भी sp3 एटम आ गया, sp3 तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन उसकी वजह से रुक जाएगा, लॉक हो जाएगा, कुल मिलाकर वो नॉन एरोमेटिक होगा। यदि कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें रिंग पर ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ना तो 4n+2π की कंडीशन को फॉलो कर सकता है ना 4n π की, क्योंकि 4n+2π और 4n π दोनों में ही वो आता है, जब 4n+2π में देखो 2, 6, 10, 14, 18, 22 आएगा नहीं आएगा, इवन आ रहा है नहीं आ रहा, और 4n π में देखो 4, 8 अरे 12, 16, 20 इवन आ रहा है ना, तो इसका मतलब अगर किसी कंपाउंड में ओड इलेक्ट्रॉन आ जाता है रिंग पर, तो इसका मतलब 4n+2π और 4n π के कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, वो 100% नॉन एरोमेटिक होगा। अब देखो अगर कोई कंपाउंड है जिसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन है या 4n π इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो डीलोकलाइज नहीं है, तब भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा, क्योंकि यहाँ पर डीलोकलाइज होना जरूरी है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में, लेकिन 4n π तो है, 4n+2π है लेकिन वो डीलोकलाइज नहीं है, तब भी कंपाउंड कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो मैं लिख देता हूँ, एक तो ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड्स होंगे ही सही, देखो ऑल एसाइक्लिक कंपाउंड, एसाइक्लिक कंपाउंड ये तो नॉन एरोमेटिक होंगे ही सही भाई, जितने भी एसाइक्लिक कंपाउंड्स है सब नॉन एरोमेटिक है। एग्जाम्पल जैसे देख लिया हमने CH4, यहाँ पर ये ले लिया, कुछ भी ले लो सब पता है आपको, देखो ये यहाँ पर हो गया इस तरह से एटसेट्रा। अब देखो नेक्स्ट अपन ले साइक्लिक कंपाउंड, अगर साइक्लिक कंपाउंड में एक भी sp3 कार्बन आ गया तो कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। देखो साइक्लिक से पहले लिख देता हूँ, चलो वही लिख देता हूँ, देखो sp3 कार्बन, sp3 एटम कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। अब यहां पर देखो sp3 एटम कंटेनिंग साइक्लिक लिखा है, इसका मतलब है रिंग की बात कर रहे हैं अपन, इसका मतलब है अपन किसकी बात कर रहे हैं, रिंग की, ये लिख ले बेटा सबने, कर लिया नहीं इधर वाला, चलो इधर देखो, तो देखो रिंग से मतलब ये, इधर देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये CH3 भाई, ये sp3 नहीं है क्या, sp3 है या नहीं है, लेकिन ये तो एरोमेटिक है, क्यों, क्योंकि अपन ने यहां पर जो लिखा ना उसका मतलब कंपाउंड में sp3 कार्बन है या एटम है उसकी बात नहीं कर रहे, जो रिंग है उसमें sp3 नहीं आना चाहिए, इस रिंग में तो नहीं है ना कहीं पर भी sp3, ठीक है ना, ये इसमें तो सभी कार्बन कौन से है sp2, ये सारे के सारे, ये देखो आप ये, ठीक है, तो अपन बेसिकली यहाँ पर जो लिख रहे हैं ना किसके लिए लिख रहे हैं, रिंग के लिए लिख रहे हैं, तो sp3 कार्बन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स, देखो फॉर रिंग, केवल रिंग के लिए लिख रहे हैं अपन ऐसे, हाँ मतलब रिंग में sp3 नहीं होना चाहिए, तो ये तो एरोमेटिक है, टोलो ही नहीं, ये तो एरोमेटिक है क्योंकि रिंग में तो सारे sp2 है, sp3 जो आ रहा है वो तो रिंग के बाहर है, उससे थोड़ी मतलब है अपन को, समझ में आ रहा है ना, देखो यहाँ पर इसका मतलब ये, इधर देखो जैसे ये केस है, ये इसके अंदर 2π इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, है, लेकिन ये sp3 कार्बन आने की वजह से इन 2π इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, ये नॉन एरोमेटिक है, समझ में आ रहा है ना, ये इसी तरह से देखो आप ये ले लिया, इसमें 2π इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, लेकिन ये sp3 कार्बन आ गया, sp3 इसका मतलब इन पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, ये नॉन एरोमेटिक है। और देखिए चलो मान के चलो जैसे ये केस है, ये ले लिया,
देखो इसमें सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, टू पोर सिक्स, लेकिन ये sp3 कार्बन आ गया, इस sp3 की वजह से कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। मतलब रिंग में यदि एक भी sp3 कार्बन आ गया तो कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है, अब इस पॉइंट का मतलब क्लियर हो गया होगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है देखो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग कंपाउंड्स। देखो यदि किसी कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री रेडिकल आ गया, लेकिन ये भी किसके लिए लिख रहे हैं अपन, रिंग के लिए, ध्यान देना, फॉर रिंग, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स लिख लो ताकि कोई डाउट नहीं हो, ऑड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। देखो ये भी हमेशा नॉन एरोमेटिक होंगे। एग्जाम्पल यहां पर देखे, जैसे ये हो गया, ये फ्री रेडिकल यहां पर है। अब देखो इस फ्री रेडिकल की वजह से डीलोकलाइजेशन तो है, कैसे इसका होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज किया, ये डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये रेडिकल ये आ गया, फिर आगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करोगे फिर डीलोकलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ये रेडिकल, ये सॉरी यहाँ पर बॉन्ड बना था इधर और ये रेडिकल आ गया। तो देखो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, टू और वन ऑड इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, थ्री। तो कहने का मतलब यहाँ पर थ्री पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, कहने का मतलब अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो इस कंडीशन में ना तो कंपाउंड 4n+2 की कंडीशन को फॉलो कर सकता है, ना ही 4n pi की, ना तो 4n pi की कंडीशन को फॉलो करेगा ना 4n+2 pi की। तो कुल मिलाकर ऑड इलेक्ट्रॉन आने से कंपाउंड नॉन एरोमेटिक हो जाता है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये कौन सा होगा भाई, नॉन एरोमेटिक। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो जितने भी साइक्लिक कंपाउंड है सब नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक कंपाउंड में sp3 एटम आ गया तो नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक कंपाउंड में ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया तो नॉन एरोमेटिक है। अब देखो एक केस और, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनमें 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन है या फिर 4n pi इलेक्ट्रॉन या फिर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो लोकलाइज्ड है, मतलब डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, या मैं कह दो कंपाउंड नॉन प्लेनर हो गया, तो भी कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, ये लिख लिया ना सबने यहां तक, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, देखो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स और 4n pi इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट बट दीज आर लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखो 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन या फिर 4n pi इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, बट दीज आर लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इस कंडीशन में भी कंपाउंड कौन सा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। एग्जाम्पल देखे, जैसे मैंने बात करें COT कोट, ठीक है ना, कोट का मतलब साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पर अपन केस देखते हैं, जैसे ये लिख रखा है बेटा नहीं, चलो देखो यहाँ पर जैसे ये बना देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अपन को पता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर प्लेनर बना है, लेकिन वास्तव में ये इस फॉर्म में थोड़े होता है, ये टब शेप में होता है, इस तरह से ये इस फॉर्म में होगा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये केस हो गया, तो देखो यहाँ पर सिस्टम में नॉन प्लेनरिटी आने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो नॉन एरोमेटिक ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी, क्योंकि ऐसा आने से क्या है कि यहाँ पर इन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है कि 8 pi इलेक्ट्रॉन तो है इसमें, लेकिन नॉन एरोमेटिक होते हैं क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हो, नॉन एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक हो, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया होगा कि आपको उनको कैसे पहचानना है। बाकी रही बात एक्चुअल कंडीशन की, वो सब अपन करेंगे। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट करो देखो इसको।